हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल TRD गेमर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एलवारो कैरेक्टर की एबिलिटी का फुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एलवारो कैरेक्टर की जो एबिलिटी है उसका इन गेम में जाकर के आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग एलवारो कैरेक्टर जो है उसका किस तरह यूज करें कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो वीडियो में लास्ट में मैं कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिससे कि आप लोग एलवारो कैरेक्टर से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, आप पूरे स्क्वाड को ग्रेनेड से डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलवारो कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है। ये जो है एक्सप्लोजिव का जो है ना डैमेज 16% बढ़ा देता है और उसका रेंज 10% बढ़ा देता है। ये एलवारो कैरेक्टर की एबिलिटी है। अब हम लोग गेम में देखिए, यहाँ गेम में देखिए, अब मैं यहाँ कोई कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ तो देखिए ग्रेनेड कितना डैमेज दिया, 363 लगभग समथिंग डैमेज दिया। लेकिन जब मैं एलवारो कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ देखिए डैमेज, अब गौर से देखिए 431 डैमेज, लगभग में जो है लगभग में 70 का डिफरेंस डैमेज में, लगभग में। तो ये हो गया डैमेज में डिफरेंस। एलवारो कैरेक्टर का आप यूज कीजिए, आपको 70 डैमेज ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए इसका रेंज देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो हमको ग्रेनेड डैमेज दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर लेकिन मैं एलवारो कैरेक्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई जनरल कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ और मैं वहाँ जस्ट डबल डोर का कॉर्नर पर ग्रेनेड डाल रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए मैं जस्ट थोड़ा सा दूर आ गया, जस्ट थोड़ा सा मूव किया। अब इस बार देखिए फिर से मैंने वही कॉर्नर डबल डोर का ग्रेनेड डाला, अब देखिए यहाँ पर डैमेज नहीं देगा। अब देखिए डैमेज नहीं दिया, यही जो है ग्रेनेड का रेंज। अब देखिए मैं करेट से कितना दूर हूँ, मतलब ग्रेनेड के तरफ हूँ, ग्रेनेड के पास हूँ कर, देखिए इसी दूसरा वीडियो में देखिए मैं एलवारो कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ और जस्ट कैरेट के बगल में हूँ, यानी कि ग्रेनेड से ज़्यादा दूर हूँ, फिर भी हमको डैमेज पड़ गया। ये जो है ना एलवारो कैरेक्टर का यूज करने पर रेंज ज़्यादा हो जाता है ग्रेनेड का। इस तरह जितना एक्सप्लोजिव वेपन है जैसे लैंडमाइन या फिर ये लॉन्चर जो है जो भी हो। अब यहाँ देखिए, अब इस बार मैं इस क्लिप में एलवारो कैरेक्टर की यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं हमको 151 का डैमेज पड़ा। अब जैसे ही मैं एलवारो कैरेक्टर का यूज करूँगा लैंडमाइन का डैमेज बढ़ जाएगा रनिंग में, और दोनों क्लिप में मेरे पास वेस्ट नहीं है, पिछला बार भी नहीं था, इस बार भी वेस्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए डैमेज, गौर से देखिए 181, यहाँ देखिए 30 डैमेज बढ़ गया। जब रनिंग करके हम लोग लैंडमाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो 30 डैमेज बढ़ गया। और अपडेट के बाद तो आप लोग जानते हैं लैंडमाइन का डैमेज घटा दिया, बहुत घटा दिया, इसलिए बंदा जल्दी नॉक नहीं होता है एक लैंडमाइन से। अब मैंने यहाँ पर एक लैंडमाइन लगाया, अब देखिए मैं जनरली चला गया लैंडमाइन पे और वहाँ खड़ा रहा, फिर भी 190 का डैमेज। ये मैं कुछ कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन वही जब मैं एलवारो कैरेक्टर का यूज करके लैंडमाइन लगाया, अब यहाँ देखिए इस क्लिप में मैंने एलवारो कैरेक्टर का यूज करके लैंडमाइन लगाया और लैंडमाइन पे कोई भी चढ़ेगा, जैसे मैं ही ऊपर गया लैंडमाइन का, ख़त्म, मर गया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये एलवारो कैरेक्टर की एबिलिटी है, वो डैमेज बढ़ाता है, साथ में एक्सप्लोजिव का रेंज भी बहुत बढ़ा देता है, जैसे वो एक्सप्लोज करता है तो उसका रेंज ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसकी एबिलिटी का आपको यूज बताता हूँ। आप इसकी एबिलिटी के साथ अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर है तो एलवारो कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जैसे क्रोनो जो है ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट देता है, हैकर वाला मूवमेंट देता है, आप आराम से दौड़ करके क्रोनो चला कहीं जाके पोजीशन लीजिए, उसके बाद आप ग्रेनेड डाल करके बंदा को मार दीजिए। जैसे देखिए मैं हर बार ये मैप जहाँ भी आता है कालाहारी में तो मैं दौड़ के आता हूँ, यहाँ पोजीशन लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्रेनेड ले करके टाइमर सेट करके आराम से मारता हूँ। सिर्फ हमको क्या करना है कि इस तरह से आपको करने के लिए आपको एलवारो कैरेक्टर का यूज करना है। अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एलवारो कैरेक्टर का यूज कीजिए और आप आराम से ये कर पाएंगे जो मैं आपको क्लिप में दिखा रहा हूँ। इससे क्या हुआ, क्लैश स्क्वाड में आप आराम से पोजीशन लेकर के ग्रेनेड डाल के 2-3 बंदा को मार सकते हैं, जैसा कि देखिए इस क्लिप में मील पे सब जानते हैं बंदे उस तरफ से रश करते हैं। मैं पहले क्रोनो चला के गया, और एलवारो कैरेक्टर से क्या होता है कि ग्रेनेड का डैमेज और रेंज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बंदा आसानी से नॉक हो जाता है। तो आप लोग को पता चल गया कि एलवारो कैरेक्टर किस तरह डैमेज बढ़ाता है और एक्सप्लोजिव का रेंज बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को जरूर से जरूर कर ले सब्सक्राइब। एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है।